ना ही ये पुलाव है और ना ही खिचड़ी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ अलग सी रेसिपी। जब भी आपका दाल या चावल खाने का मन ना हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनती है और इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि आज कुछ अलग खाना है, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को बहुत सारा प्यार दें और कमेंट कराना भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे हमने 1.5 कप चावल लिए हैं बासमती राइस, इसे अच्छे से मैंने 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। तो चलिए इसे हम अलग रख देते हैं और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कौन सा चावल यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इंडिया गेट की जो चावल होते हैं ना बासमती, वो यूज़ किए हैं। तो आप कोई भी यहाँ पे बासमती राइस यूज़ कर सकते हैं। मैं किसी चीज़ की प्रोमो नहीं कर रही हूँ दोस्तों, बस मैं बता रही हूँ ताकि आपको आसानी हो इसे बनाने में। तो चलिए अब इसे साइड में रखते हैं और दूसरी तरफ हम देख लेते हैं कि इसके लिए दाल हम कौन सी ले रहे हैं। ये खिचड़ी नहीं है और ना ही ये पुलाव है, कुछ अलग तरह की रेसिपी है दोस्तों। तो इसके लिए दाल हमने 1/2 कप ली है, 1.5 कप चावल के साथ 1/2 कप यहाँ पे हमने दाल ली है। इसे हमने 1/2 बॉईल किया है, जी हाँ, इसे मैंने आधा बॉईल किया है नमक के साथ। जी हाँ, इसमें मैंने हल्दी नहीं डाली है, बस ये इतना आपको बॉईल करना है कि ये उंगलियों की सहायता से कट जाए। दूसरी तरफ हमने यहाँ प्रेशर कुकर लिया, प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो लगभग 4 से 5 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। साथ में यहाँ पर लगभग 2 चम्मच हमने यहाँ पे घी ले लेना है। घी अगर इस तरह से ऑयल में मिक्स करके बनाते हैं ना तो उसका स्वाद दुगना बढ़ जाता है। नहीं तो सिर्फ आप घी में बनाएं, नहीं तो ऑयल में बनाएं, दोनों मिक्स करके बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनती है। साथ में यहाँ पे मैंने जीरा डाला, मैंने आपको दिखाया नहीं कि क्या क्या मैं डाल रही हूँ। तो देखिए लगभग 1 छोटी चम्मच जीरा है, साथ में दालचीनी है, लौंग है और बड़ी वाली इलायची है, थोड़े से मिर्च है लाल वाली और 1 तेज़पत्ता है। तो जो खड़ा गर्म मसाले आपके पास जो भी हैं आप इसमें डाल दें। तेज़पत्ता डालना बिल्कुल भी नहीं भूलें क्योंकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तीखे अनुसार मैंने यहाँ पे लाल मिर्च डाली है। तो देखिए अच्छे से मसालों को इसमें चटकने दें। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें हमने और क्या क्या चीज़ लेनी है। तो यहाँ पे लगभग 2 प्याज हमने लिए हैं, बारीक कटा है। लगभग यहाँ पर हमने 3 टमाटर लिए, टमाटर अच्छी क्वान्टिटी में आपको डालनी है, अच्छा सा स्वाद आता है इसमें, हल्की सी खटास आती है। सबको अच्छे से स्लाइस कर लिया और थोड़े से यहाँ पे मटर भी यूज़ कर लेंगे। मटर है तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मसाले यहाँ पे फूट चुके हैं। अब यहाँ पे आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डाल दें। मैं थोड़े से काजू और बादाम डाल रही हूँ। इन्हें भी अच्छी तरह से इन तेल में रोस्ट कर लेते हैं। अगर इस तरह की रेसिपी में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं तो बच्चों को खाने में बहुत ही मज़ा आता है। आप चाहें तो इस वक्त यहाँ पर पनीर फ्राई करके भी डाल सकते हैं। अब यहाँ प्याज डाल देते हैं। सारे प्याज को हमने यहाँ पे डाल दिया है और गैस का फ्लेम हमने यहाँ पे हाई रखा है क्योंकि फटाफट मुझे इस रेसिपी को बनानी है ताकि जल्दी बने। तो देखिए इसे हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है और ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं यहाँ पर। मीडियम फ्लेम पर करेंगे तो प्याज ज़्यादा लाल हो सकते हैं। इसमें हमने टमाटर डाल दिया है। तो देखिए टमाटर मैंने डाला है, आपको दिखाना यानी शूट करना, मैं ऐसे भूल गई। तो देखिए मैंने टमाटर डाल दिए, सारे टमाटर मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। तो ये टमाटर को अच्छे से गलने देंगे। साथ में इसके साथ हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भरकर डालें। और साथ में यहाँ पे एक चीज़ हम डालते हैं, लेकिन पहले से अच्छी तरह से हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं ताकि जो हमारे टमाटर प्याज जल ना जाए, क्योंकि हमारा गैस का फ्लेम ऑन है। तो पहले जो हमने मसाले डाले हैं उसे मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसमें हमने सूखे मसाले डालने हैं। तो लगभग यहाँ पे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ में यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से यहाँ पे मिर्च यूज़ करें। मैं यहाँ पे 1/4 ही डाल रही हूँ, ये तो तीखी हो जाएंगी यहाँ पे। साथ में 1/2 चम्मच गरम मसाला का पाउडर। इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और जैसे ही आप यहाँ पे मसाले डालेंगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने चने दाल थे उसे डाल देते हैं। तो हल्के से इसमें पानी थी यानी मॉइस्चर थी, तो उससे ये अच्छे से मसाले भुन भी जाएंगे और दाल में भी अच्छा सा फ्लेवर चला जाएगा। तो थोड़े दाल डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम मटर ऐड कर देते हैं। तो मटर आप जितने चाहें उतने यहाँ पे ऐड कर दें, इसे भी मिक्स कर लेंगे।
आप इसे कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं दोस्तों। घर में किसी तरह की फंक्शन है तो उसमें बनाए, सभी को बहुत पसंद आएंगे ये चने दाल से बनी हुई। अब यहाँ पर चावल हम डाल देते हैं, सारे पानी हमने निकाल दिए हैं चावल के लिए और डाल रहे हैं। 15 मिनट से ज़्यादा भिगो के चावल ना रखें, नहीं तो चावल हमारे टूट जाएंगे और खिले खिले नहीं बनेंगे, यानी लंबे दाने के नहीं बनेंगे। अब चावल को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक टमाटर और हम यहाँ पर डालेंगे लास्ट में, क्यों मैं आपको आगे बताऊँगी। जब साथ में यहाँ पर हम 2 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, नमक ध्यान से डालें, ज़्यादा ना हो जाए। अब यहाँ पे हम पानी डालेंगे। अब सवाल उठता है कि कितना पानी डालें इसके लिए, तो लगभग यहाँ पे हम 2.5 कप पानी यूज़ करेंगे। तो जिस कप से आपने चावल या दाल नापा है ना, उसी कप से हम यहाँ पे 2.5 कप पानी डालेंगे। 1.5 कप चावल है और 1/2 कप यहाँ पे दाल है, तो लगभग 2 कप के लिए हम 2.5 कप यहाँ पर पानी ऐड कर रहे हैं। और चने की दाल जल्दी कुक नहीं होती है, तो इसलिए हमने इसे हाफ बॉयल किया ताकि अच्छे से बॉयल हो, यानी कुक हो जाए। देखिए पानी हमने डाल दिया और ये जो अब खड़े टमाटर डाले हैं ना, जब ये हमारे कुक हो जाएंगे तो टमाटर इसी तरह से खड़े दिखेंगे, तो वो खाने में बहुत टेस्टी हो जाते हैं। बाकी सब तो मैश हो जाते हैं दोस्तों, तो वो पता नहीं चलते हैं। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे इसका ढक्कन लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पे लगभग 1.5 सीटी आने देंगे। अब बोलिएगा कि अब दोस्तों कि 1.5 सीटी कितनी होती है, तो 1 सीटी लगने के बाद जैसे ही दूसरी सीटी लगने वाली हो ना, यानी बजने वाली हो, वैसे ही गैस का फ्लेम ऑफ कर दें, तो 1.5 सीटी हो जाती है। अब इसे हमने ढक देना है लगभग 10 मिनट के लिए ताकि इसका सारा भाप निकल जाए। अगर इसी समय आप निकालेंगे कलछी से तो सारे चावल टूट जाएंगे और वो खिले खिले नहीं दिखेंगे। तो लगभग 10 मिनट के लिए इसे थोड़ा सा रेस्ट दें उसी प्रेशर कुकर में और उसके बाद निकालें, तो देखिए बिल्कुल खरे खरे हैं और गर्मा गर्म हमारा ये रेसिपी बनकर तैयार है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चने की दाल की जगह आप अरहर की दाल भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारा चावल कितना खिला खिला बना है, बिल्कुल भी चिपका हुआ नहीं है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसके ऊपर से थोड़ी सी घी डाल दें तब इसे सर्व करें तो बहुत टेस्टी लग रही है। देखिए जो मैंने ऊपर से टमाटर डाले थे वो खरे खरे कितने इसमें अच्छे दिख रहे हैं और खूबसूरत दिख रहे हैं। तो जब भी कोई घर में पार्टी हो तो गेस्ट को आप इसे खिलाएं, बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू।